अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट आपसे मुखातिब हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जो मेरे कार्टून अब शेयर कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, आप उनको बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवालात किए थे कि जी हम कैसे अपना एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और जिस शख्सियत का कार्टून बनाना हो उसकी क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम हाईलाइट करते हैं। असल में ये जो होती है ना, ये कुदरत की जो बनाई हुई जो प्रोपोर्शन है उसमें हम एग्जैजरेशन का फार्मूला ऐसा मिक्स करते हैं कि वो जो है जब वो कैरिकेचर बन जाता है तो एक आम आदमी भी उसको पहचान सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक किसी शख्सियत को सिलेक्ट किया है तो वो मैं कैसे उसको हाईलाइट करूं। जी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम कैसे वो सिलेक्ट करते हैं जिस पर्सनैलिटी का कार्टून बनाना हो, और जो पर्सनैलिटी है वो नोन होनी चाहिए, मतलब उसको बहुत से लोग जानते हों। तो क्योंकि नाम वाम तो ऊपर लिखना नहीं होता, तो यही उसका कमाल होता है कि कैरिकेचर को देख के लोग पहचान लें। तो मैंने अयूब खोसो की तस्वीर सिलेक्ट की है, जैसे ये देख लीजिए। मैंने जो तस्वीर सिलेक्ट की थी आपके सामने बनाई है, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से इसके फीचर्स हाईलाइट किए। असल में अयूब खोसो साहब जो हमारे टेलीविजन के बहुत बड़े आइकॉन हैं और बहुत ही जबरदस्त फनकार हैं, तो उनके असल में बाल हैं, मूंछे हैं, और वैसे तो वो सलवार कमीज पहनते हैं, तो मैंने अपनी आसानी के लिए उसको जरा जल्दी से वो जीन वीन पहना दिए। लेकिन ये कि उनके देखें सारा जो है जो उनकी वो तस्वीर का है वो मूछे हैं और ये बाकी है। देखें एक तस्वीर को हमने हाईलाइट किया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट तस्वीर जो है वो उसके साथ में है। तो ये आइडिया पसंद आया तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और आप यकीन माने कि इतनी मजेदार चीजें आने वाली हैं कि आप उनको एंजॉय करेंगे। और स्पेशली मैं जो बच्चे जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं या जो इस फन को थोड़ा सा